नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। नशा जहां पूरे देश की समस्या बन चुका है, वहीं झज्जर के बादली गांव में नशे के खिलाफ पंचायत हुई, जिसमें हजारों की संख्या में गांव के लोग इकट्ठा हुए। पंचायत में डीएसपी राहुल देव और बादली थाना के एसएचओ बाबूलाल भी मौजूद रहे। गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन को 30 सितंबर तक का समय दिया और कहा कि अगर 30 सितंबर तक पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो वो रोड जाम करेंगे, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन खुद होगा। पहले हमने पंचायत की थी, एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने हमारे को 15 दिन का टाइम मांगा था, हमने उनको 20 दिन का कहा था जी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई तो की, लेकिन उस कार्रवाई से हम जो है ना संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वही आदमी घर को छोड़ करके बाहर बेचना शुरू कर दिया। डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया, डीएसपी साहब ने अभी आश्वासन दिया, हम डीएसपी साहब को भी हमने टाइम दिया है, अगर डीएसपी साहब के ने भी अगर इसे बढ़ के कोई कार्रवाई नहीं की, उनको नहीं पकड़ा और ये चीज़ नहीं बंद हुआ, तो हम डीएसपी साहब से भी ऊपर जाके फिर आगे पूरा गाँव और आगे जाएगा। जहाँ तक भी मतलब हमारे को जाया जाएगा, जब तक ये चीज़ बंद नहीं हो जाएगी गाँव से, इसका हम बिल्कुल इस बीमारी को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का, बच्चों का और भविष्य का और गांव कोहंड का मामला है। इससे हम चुप रहने वाले ना हम किसी धमकी से डरेंगे, ना हम किसी की धमकियों में आएंगे, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे। हमने बिल्कुल एक इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और इनको पकड़वाना है और इसको बेचना बंद करवाना है। और हमारी रिक्वेस्ट है उन भाइयों से जो बेच रहे उनसे भी और जो पी रहे उनसे भी, वे अपनी मर्जी से समाज से जुड़ जाएं, इसको छोड़ दें और समाज से जुड़ जाएं तो उनके बहुत अच्छा रहेगा, वो हमारे साथ जुड़े और इसको बंद करें। आइए सुनाते हैं आपको इस पर डीएसपी राहुल देव ने जो कहा। सर, समय को लेकर बादली गांव ने 15 दिन का समय दिया था, पूरा हो चुका है, आज दोबारा से पंचायत हुई है सर, और जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया, कहीं ना कहीं ग्रामीणों में रोष है। ऐसी बात नहीं है, अभी मैं पंचायत में से ही उठ के आया हूँ जी, जो हमने 17 नाके गांव के अंदर लगाए हैं, 7 अभी तक हम पर्चे दे चुके, जो मेन नाम थे हाँ सब गांव छोड़ के चले गए हैं, और उनको सख्त चेतावनी दे रहा हूँ मैं कि अगर उन्होंने इस तरीके का कार्य करा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ जी। सर, 20 सितंबर तक का समय दिया है, सफाया हो जाएगा, हम उससे पहले पहले करेंगे जी, ये भी टाइम दिया इनका बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। पर उससे पहले पहले करेंगे। गुलिया खाप के प्रधान विनोद गुलिया ने बताया कि हमने प्रशासन को नशा बेचने वाले लोगों के नाम भी बताए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी बादली गांव में पंचायत हुई थी, जिसमें डीएसपी राहुल देव ने गाँव वासियों से 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन गाँव वाले उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। समय को लेकर दोबारा से पंचायत हुई है, 20 सितंबर का समय दिया है, क्या लगता है आपको? डीएसपी राहुल देव और एसएचओ बाबूलाल हमारे बीच में पधारे थे, उन्होंने गांव को आश्वासन दिया है, कुछ हमने 7 मुकदमे दर्ज करे हैं, पर जिन भाइयों के खिलाफ नहीं हुआ उनको हमने प्रशासन को समय दिया इस बारे में, उनके बाकायदा नाम भी दिए हैं। अब 20 सितंबर तक हम डीएसपी राहुल देव जी के और बाबूलाल जी के नेतृत्व में हम देखते कितना कार्य होता है ना, इसके बाद बादली ने बता दिया कड़े रूपों में, आज यहाँ आप पधारे हो, इसके बाद एसपी साहब यहाँ पधारे, काम अपना कड़ा रूप अपनाएगा और हम प्रशासन से उम्मीद करते हुए कहते हैं वही अच्छा कार्य करे, और जो भी शिकायत थी प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है, गांव ने आश्वासन पे उम्मीद की है, और भाई इनको हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे और इन पर मुकदमे लगाएंगे। 17 नाके लगाए गए हैं, पर्याप्त है बादली के लिए ना, और डिमांड करी भाई साहब, और डिमांड की, बाहर की गाड़ी आती है, जैसे लाडपुर से कई भाई बेचने के लिए आते हैं, हमने लाडपुर वाले भाइयों का भी नाम लिया है, और जो भी हमारे गुड़िया भाई परिवार में है, जो भी गलत कार्य करता है, हम उसका नाम लेने में बिल्कुल कोई नहीं मानेंगे, हम सुंदरतर रूप से उसका नाम लेंगे, क्यों आज हम दब गए तो हमारा बच्चे हमारा परिवार आगे दब के खड़ा हो जाएगा, हमने अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी है और इसको उच्च स्तर तक लड़ते रहेंगे। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।